हाँ बच्चों, तो हमने डिस्कस किया कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज होगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर गुड्स विड्रॉन की जगह कैश विड्रॉन होता तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता। ओके, एक नई चीज़ है यहाँ पर, ₹1,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। ये एक नया वर्ड आया है हमारे पास में, इसको नोट कर लीजिएगा, बैड डेट। क्या वर्ड है ये हमारा? बैड डेट। बैड का मतलब क्या होता है? बैड मतलब बुरा, खराब, बेकार व्यक्ति। तो क्या हुआ? DEBT डेट है ये, DEBT बैड डेट। हमने रोहित से पैसे लेने थे और रोहित ने हमें पैसे देने से कर दिया मना। पहले तो उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया, इसका मतलब हमारा नुकसान हो गया, ठीक है ना? जब भी नुकसान होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, एक बात। दूसरा, रोहित ने हमें पैसे देने थे तो अब वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो दूसरी जगह हमें नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा रोहित का। याद रखिए, जब भी बैड डेट वर्ड आएगा, जब भी बैड डेट वर्ड आएगा, डी से डेट, डी से डेबिट, हमें बैड डेट को क्या करना है? डेबिट करना है। अब यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बन गई? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट या रोहित अकाउंट, क्योंकि उसने हमें पैसा नहीं दिया तो हमने उसका नाम रिकॉर्ड करके रख लिया कि भाई अब इससे पैसा लेना है, और बैड डेट हमारा नुकसान है इसलिए हमने उसको डेबिट किया। ये नोट कर लीजिए। इसी से रिलेटेड हमारी अगली एंट्री है यहाँ पर, ये लास्ट एंट्री है, मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट। ये नया वर्ड है आज हमारे पास में, नया वर्ड इंसॉल्वेंट। नोट कर लीजिए, इंसॉल्वेंट का मतलब अपनी कॉपी में, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, व्यक्ति दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता, जो अपने दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतनी एसेट्स नहीं बची हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज़ का भुगतान कर सके, तो उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहा जाता है, दिवालिया कहा जाता है। कौन कहता है उसे दिवालिया? उसका केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में लड़ा जाता है उसका केस, और कोर्ट कहता है कि भाई इसकी जो एसेट्स है ना, अगर इसके ऊपर ₹100 की लायबिलिटी है, अगर इसने तुम्हारे ₹100 चुकाने हैं तो इस ₹100 में से केवल ये ₹10 ही चुका सकता है। तो 100 में से ₹10 चुकाने का मतलब है 10%। परसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सेंट जो होता है, सेंट मतलब 100 होता है, और पर का मतलब होता है प्रति, प्रतिशत। 10% यानी कि हर 100 में से केवल ₹10 देने के लायक है, या कई बार होगा वो 20% दे सकता है, तो हर 100 में से वो ₹20 देने के लायक है। तो जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो हमारा पैसा डूबने की संभावनाएं होती है। तो ₹10 मिल गए और वो जो 90 हैं वो क्या हो गए? वो हमारे डूब गए। और जो पैसा हमारा डूब गया, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। क्या बोलते हैं उसको हम? बैड डेट यहाँ पर हमने लिखा है। और जो भी हमारा बैड डेट होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? नुकसान। और नुकसान को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है बेटे? बैड डेट नहीं है, बैड डेट है, BAD, बैड। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट, मोहन हो गया दिवालिया, एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी, 50 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में से केवल 50 पैसे देने के लायक है, यानी कि जितना भी डेट होगा उसका 50% देने की कंडीशन में है। कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ₹1,000। याद रखो, जब भी इंसॉल्वेंट वर्ड आएगा हमारी जर्नल एंट्री में बैड डेट वर्ड आएगा, जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा हमारी एंट्री में डिस्काउंट आएगा। तो हमारी एंट्री हो गई, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट। नुकसान हुआ है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन के आगे फुल अमाउंट, जो अमाउंट हमने उससे लेना है, कैश के आगे जितना कैश रिसीव किया, बैड डेट के आगे जितना हमसे, जितना हमारा नुकसान हुआ है। तो बैड डेट हमेशा 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 डेबिट। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है और हम नोट कर सकते हैं, क्या क्या हो सकती हैं वो। पहली बात ये कि जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होगा तभी एंट्री में डिस्काउंट आएगा। दूसरी बात, कैश और डिस्काउंट दोनों भाई भाई हैं। दोनों भाई भाई होने का मतलब क्या है?
जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, ये दो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं याद रखने लायक। तीसरी बात करते हैं बैड डेट। बैड डेट हमेशा क्या होता है? नुकसान। और नुकसान को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट, ठीक है ना। इसे नुकसान को हमेशा हम डेबिट करते हैं। बैड डेट वर्ड का इस्तेमाल हम कब कब करेंगे? जब भी या तो सवाल में बैड डेट वर्ड यूज़ किया गया होगा या सवाल में इंसॉल्वेंट वर्ड यूज़ किया गया होगा। जब सवाल में इंसॉल्वेंट वर्ड यूज़ किया होगा तो जहाँ पर कैश होगा वहीं पर बैड डेट होगा, हम कैश रिसीव कर रहे होंगे इसलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, जो भी कोई उसका नाम दिया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं, एंट्री करने में हमें हेल्प मिलेगी। एक असाइनमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जिसे आप करेंगे। बाय मिस्टेक मैंने ये पेन से लिख दिया था, वैसे तो मैं आपको इसकी फ़ोटो भेजूंगी, पर जितना दिखाई दे रहा है उतना पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा, परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा। गुड्स रिटर्न्ड बाय राजा, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट, जब भी फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो एंट्री में डिस्काउंट आएगा और कैश और डिस्काउंट दोनों भाई भाई होते हैं। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करोगे। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू शेट्टी, सोल्ड गुड्स से बना सेल्स और गुड्स रिटर्न्ड बाय शेट्टी, सेल्स रिटर्न वाली एंट्री। फिर कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, कैश पे कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया तो डिस्काउंट, जहाँ कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा। कैश जा रहा है इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नाइन्थ ट्रांजेक्शन, 500 ड्यू फ्रॉम हिमानी आर नाउ बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट हमेशा नुकसान, नुकसान हमेशा डेबिट, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कौन है वो? हिमांशु। और लास्ट पॉइंट है वो शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, फिर भी देख सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। पी के बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड, पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, इंसॉल्वेंट, जब भी इंसॉल्वेंट वर्ड लिखा होगा बैड डेट, मिल कितना रहा है? 5,000 का 40%, 5,000 का 40% मिलेगा, अगर 40% मिल रहा है यानी कि 60% नहीं मिल रहा है तो 60% हमारा नुकसान हो गया। ये एंट्रीज बेटे ज़रूर ज़रूर करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इन्हीं एंट्रीज में हमारे सारे जर्नल की एंट्रीज बेस्ड हैं। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।